वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद नसीम अंसारी। आज हम अल्टो गाड़ी का लोअर आर्म मतलब व्हील आर्म चेंज करेंगे, उसको सस्पेंशन आर्म भी कहा जाता है। दिखाते हैं खोलने के लिए। इसको एक यहाँ बोल्ट लगा होता है 17 mm का, उसको खोल लीजिए ये, और एक ये लॉक निकाल लो, उसको भी खोल लीजिए। यहाँ से एक नट होता है बोल्ट, सॉरी ये यहाँ बोल्ट लगा हुआ है, ये इसको ओपन कर लीजिए। और इसका एक बोल्ट और इधर लगाता है, ये बोल्ट दिख रहा है, इसको आसानी से खोल लीजिए, ये बाहर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसको खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जनरली ये खोलने के लिए हमने इसका खोल लिया है, ये जो साकप के बोल्ट होते हैं ये ओपन कर लीजिए, और नीचे 14 mm का बोल्ट लगा होता है ये, इसको ओपन कर लीजिए, ऐसा ये फंसा रहता है। और यहाँ पे लंबा एक 14 mm का बोल्ट होता है, उसको खोल लीजिए। और ये स्टेबलाइजर बार जो है इसको भी ओपन कर लीजिए, जो इसमें फंसा होते हैं, ये तो बूस होते हैं ये, और एक इसी में लगा हुआ है, इसको निकालते हैं। ये पुराने हैं बूस जो स्टेबलाइजर बार में लगते हैं, न्यू हमने जेन्युइन मारुति सुजुकी का लेके आए हैं। ये जो दो पीस ये ऐसे लगते हैं इस टाइप से, इसके अंदर ये ऐसे फिटिंग होते हैं। ये हमारा लोअर आर्म सस्पेंशन आर्म है जो ये। जनरली इसका ख़राब क्या होता है, ये जो सील होती है ये कट जाती है चलने से, क्योंकि और दूसरा ये होता है कि ये काफ़ी लूज़ हो जाता है, ये प्ले आ जाता है। इसमें होता ये है कि स्टेयरिंग आपकी कंट्रोल में नहीं रहती, थोड़ा सा बबलिंग टाइप की ऐसे गोल गोल घूमती है गाड़ी, एक साइड थोड़ा इधर जाना थोड़ा सा हिलना वो भी होता है। और दूसरा कारण ये है इसका ख़राब होने का, जब गाड़ी कभी एक्सीडेंट होती है मतलब कहीं व्हील टकराया है बहुत तेज, कहीं बहुत फास्ट में कहीं किसी पत्थर से टकरा गया बहुत जम से, तो भी ये क्या टेढ़े हो जाते हैं। जैसे ये लास्ट टाइम हमारा ये देख रहे हैं ये टकराई थी, तो ये काफ़ी बेंड हो गया था, तो उसको सीधा कराया लेकिन हुआ नहीं, तो हमने फाइनली लास्ट में न्यू लेके आए हैं ये आर्म। ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ काम करता है, ये देख सकते हैं। और इसका खोलने का तो प्रोसेस बता ही दिए हैं, और इसका जो फिटिंग का है वो अभी बना रहे हैं, फिटिंग कैसे करें दिखाते हैं। हमारा जनरली वीडियो बनाने का मेन जो उद्देश्य होता है, एम होता है कि कोई भी अपनी गाड़ी का चाहे तो बाय द वे कहीं कहीं मिस्त्री अवेलेबल नहीं है या कहीं ऐसे जगह कुछ हो गया एक्सीडेंट हो गया तो व्यक्ति खुद से कर ले, इसमें ज़्यादा स्कैनर वगैरह का भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली 17 और 14 मतलब 14 mm और 17 mm का इसमें स्पैनर लगते हैं, फिक्स रिंग से भी हो जाता है और पट्टी पाने से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना राइट साइड का अपन चेंज कर रहे हैं, दोनों सेम होता है। और जो एक स्टेबलाइजर बार दिखाई इधर ये लोअर जो अपना स्टेबलाइजर बार लगा रहता है, राड दिखाऊं ये, इसको स्टेबलाइजर बार मतलब सस्पेंशन मतलब टेंशन राड भी कहते हैं कई लोग, तो इसमें जो रबर लगी रहती है ये दिखाओ नीचे यहाँ पे, ये तो ये फट गई है यहाँ अपना, दो 14 mm बोल्ट का रहते तो फट गई है ये देखिए ये, इसका मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट्स लेके आए हैं, ये देख सकते हैं आप, तो हम अभी इसमें इंस्टॉल करेंगे।
सेम है बिल्कुल। ये बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। उसका हम फिटिंग का वीडियो बनाते हैं। कोई भी डाउट रहे, कोई भी डाउट रहता है जैसे कोई भी आपका कि कैसे फिट होगा क्या होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में पूरा रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे और करते भी हैं, ठीक है। लोअर आर्म का ये है कि समस्या क्या क्या आती है, पहला तो ये आपका जो स्टेयरिंग आपका थोड़ा सा प्ले आ जाता है, थोड़ा बबलिंग टाइप की प्ले करेगी, और दूसरा ये है कि ज़्यादा ये बैंड हो जाए तो आपकी टायर जो है वेयरिंग कैपेसिटी जो होता है वो घिसती ज़्यादा है, मतलब जो बोलते हैं टायर चाटना मैकेनिक भाषा में, है ना, क्योंकि अलाइनमेंट आउट हो जाता है। इसका हम इंस्टॉलेशन करते हैं। दूसरा ये जो जहाँ फिट होता है, ये देखिए नीचे इसमें एक ग्रूव बना होता है। ग्रूव इसलिए बना होता है क्योंकि जब आप बोल्ट कसोगे ऐसे, तो ये बोल्ट कसोगे इसको तो ये ग्रूव का जब तक सेंटर नहीं मिलेगा तब तक नट ये बिल्कुल फ्री नहीं जाएगा, और दूसरा ये जब ग्रूव मिल जाएगा तो नट आसानी जो बोल्ट है सॉरी बोल्ट आसानी से कसा जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। लॉक होता है, लॉक होना ज़रूरी इसलिए क्योंकि वो आपका जो आर्म है वो नीचे की ओर ना गिरे, इसलिए ये हमेशा याद रखें कि लगाते समय ये ग्रूव सेंटर मिले। ये जो यहाँ लगता है नीचे की ओर, ये एक देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे लगा ले आसानी, कभी कभी आसानी से लग जाता है जैसे चेचिस वगैरह बैंड रहे थोड़ा बहुत नीचे से पत्थर उत्तर लग जाने के कारण, तो दिक्कत करते लगने में। दूसरा ये इसको जो है लगाए जो आपका आर्म का है बोल्ट जो बॉडी में कसाता है वो 14 mm का होता है, लंबा होता है काफ़ी, है ना। इसको यहाँ पे अच्छा सेंटर में ला लें, यहाँ लगा लें, है ना। आर्म सस्पेंशन का काम जो है हमारा पूरा हो चुका है, देख सकते हैं ये फिटिंग, ये बोल्ट वोल्ट सब टाइट हो गए हैं। ये पुराना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या जानना रहता है तो खोलना होता है। ये दोनों बोल्ट 17 mm के जो बोल्ट है ओपन करना होता है, फिर यहाँ पे एक 14 mm का बोल्ट लगा होता है, ये लंबा होता है इसको खोल लीजिए, और बाय द वे नहीं निकलता है, टाइट निकलता है, तो इस पर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हल्का सा हैमरिंग करके करेंगे तो आराम से काम से बाहर आ जाएगा, ये हो गया। और दूसरा ये अपना स्टेबलाइजर बार का जो बूस डालना था वो भी डाल दिए, इसको दोनों साइड होता है क्योंकि एक साइड का ही वीडियो है, क्योंकि दोनों सेम प्रोसेसर है, वीडियो ज़्यादा लेंदी करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है इसको खोल लीजिए स्टेबलाइजर बार को, पूरा खोलने के बाद पूरा इसको फिटिंग कर दे, देख सकते हैं फिटिंग काम हो गया। अब हम इसका व्हील लगाएंगे और चला वला के चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट डाउट रहता है तो कमेंट करें आप, उसका रिप्लाई करेंगे हम, पूरा कोशिश करते हैं रिप्लाई करने का। ओके फ्रेंड्स।